Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल. माई नेम इज़ ज़िया खान. सो आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ. गाइज, दिस इज़ माई पैरट. कल इस पर बिल्ली ने अटैक कर दिया. बेचारा इनोसेंट सा मेरा पैरट. बहुत सैड है, इसको इतना ज़्यादा गहरा घाव हुआ. ये देखिए, इसको बहुत ही चिंग हो रही है, बार बार नोच रहा है. सो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपके घर में पैरट है, उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो, तो आप आसानी से उसका ट्रीटमेंट घर पर कर सकें. सो गाइज, ये देखिए, इसके यहाँ पे ऊपर पर में भी लगा हुआ है बहुत ज़्यादा. तो ये जो निशान आपको दिख रहा है, एक्चुअली ये डिटॉल का निशान है. मैंने इसको डिटॉल से साफ़ किया है अच्छे से. जहाँ जहाँ भी इसको ब्लड आ रहा था, इसके बिल्ली ने इसको काटा था, वहाँ से मैंने इसको अच्छे से डिटॉल से साफ़ किया. उसके बाद ही मैंने इसको हल्दी लगाई है, सूखी हल्दी पाउडर मैंने इसकी लगाया है दो तीन जगह. उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने पानी में मिलाकर थोड़ी सी हल्दी लगाई है. ये देखिए हल्दी का पेस्ट. सो गाइज, घर के ट्रीटमेंट के बाद मैं इसको डॉक्टर के लेके गई. डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है, इसको सुबह शाम एक एक बूंद अपने पैरट को खिलानी है. और ये कॉम्बिप्लम का सिरप है, इसमें से एक बूंद सुबह में. और ये है एक्सिमो, ये भी सिरप है, इसको भी एक एक बूंद दोनों में से मिलानी है और इसको सुबह शाम पिलानी है. इंशाल्लाह इससे आपका पैरट बिल्कुल ठीक हो जाएगा. मेरा पैरट भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ठीक है. आप लोग उसके लिए दुआ कीजिए.